हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्किटेक्ट D05 चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग UPPCS 2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, UPPCS बोर्ड ने जो है 15 दिसंबर को जिसकी आंसर की जो है वो जारी कर दी है, तो आप लोगों को जो है आंसर की का आइडिया तो लग ही गया होगा। आपको ये पता चल गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज़ हम लोग UPPCS 2019 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने UPPCS 2019 की एग्ज़ाम दी है और अगर आप लोग अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, ठीक है? मार्क्स नहीं बता रहा हूं, मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बता रहा हूं। और इस साइड जो है, देखिए यहाँ पर मैं मेल कैंडिडेट के कट ऑफ बताऊँगा और इस साइड जो है मैं फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और आपके 95+ क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मार्क्स नहीं है, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 95 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आप लोग जो है बिल्कुल ही सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं, ठीक है? तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही सेफ जोन जो रहेगा वो 95+ रहेगा। अब अनरिजर्व फीमेल की बात करूँ मैं, तो अनरिजर्व फीमेल में जो है 90+ क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं, ठीक है, 90+ क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल ही जो है सेकंड स्टेज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप बिल्कुल ही सेफ जोन में, ठीक है? अब OBC कैंडिडेट्स के, मेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, तो OBC के लिए 92+ क्वेश्चंस का कट ऑफ ये हो सकता है, ठीक है? और फीमेल की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए फीमेल के लिए ये कट ऑफ जो है 88+ क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है? SC कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करें, तो 85+ क्वेश्चन जो है उनके लिए सेफ जोन साबित होंगे, ठीक है? और SC फीमेल की अगर हम लोग बात करें, तो 82+ क्वेश्चंस अगर उनके सही हो रहे तो वो बिल्कुल ही सेफ जोन में। ST कैंडिडेट की बात करें, तो 82+ क्वेश्चंस उनके जो हैं सेफ जोन रहेगा उनके लिए। और ST फीमेल की बात करें, तो 78 क्वेश्चन जो है उनके लिए सेफ जोन रहेगा, ठीक है? 78 क्वेश्चन, ठीक। और EWS कैंडिडेट की बात करें, तो देखिए EWS कैंडिडेट के अगर 90+ क्वेश्चंस उनके सही हो रहे हैं, 90+ क्वेश्चंस अगर उनके सही हैं, तो वो बिल्कुल ही सेफ जोन में रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने जो है क्वेश्चंस बताया, मतलब इसका मतलब ये है कि ये एकदम सही होना चाहिए। आपके गलत क्वेश्चंस हटाने के बाद अगर जितने क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ जोन में रहेंगे। इसमें बिल्कुल ही गलत क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके 90 क्वेश्चन है, तो मैं आपको मार्क्स में बता देता हूँ। अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, तो 90 × 4/3 अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, 4/3 अगर हम लोग करेंगे, तो ये जो है आपका मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो जितने भी मार्क्स होंगे वो जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो 90 क्वेश्चंस के इनटू में 4/3 करें तो हमारे पास 120 नंबर आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग जो है 95, 92, 82, 90, इसका जो है आप लोग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक करें।